पिछले कल का सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से देश के अंदर गहरी चिंता है। ये एक ऐतिहासिक सत्य है कि हमारे देश के अंदर एक काफ़ी वर्ग है भारत के नागरिकों का जिनके साथ न्याय नहीं हुआ, जो लंबे समय से शोषित पीड़ित रहे, अन्याय का शिकार रहे। इसलिए उनकी सुरक्षा के लिए, उनके सशक्तिकरण के लिए कई फैसले आज़ादी के बाद संविधान निर्माताओं ने लिए, भारत की संसद ने लिए, कानून बनाए गए जिससे उत्पीड़न रुके और एक संदेश गया कि इसकी अनुमति हमारा संवैधानिक प्रजातंत्र नहीं देता। हमें अफसोस है कल के इस निर्णय का, उससे ये लगता है कि जो सुरक्षा का एक घेरा बना था, चाहे वो सामाजिक सुरक्षा का, कानूनी सुरक्षा का, और ये सुनिश्चित करने का कि ऐसा उत्पीड़न इस देश का कानून और इस देश का संविधान और प्रजातंत्र स्वीकार नहीं करता, उसको एक चोट पहुंची है। और इसको अगर इस पे पुनर्विचार नहीं हुआ तो ये केवल दुर्भाग्यपूर्ण नहीं है, इससे जो कुछ अभी तक आश्वस्त किया गया समाज के उन वर्गों को, चाहे वो एससी हैं, एसटी हैं, उनमें एक बार फिर आशंका और भय का वातावरण होगा। हम ये सोचते हैं कि इस निर्णय पर पुनर्विचार होना चाहिए, वो भारत के प्रजातंत्र और भारत के समाज की वास्तविकताओं को देखते हुए राष्ट्रहित में होगा। और भारत सरकार इस पर चुप क्यों है? सरकार की चुप्पी है इस पर, जो सरकार हर विषय पर बोलती है और ज़्यादातर गुमराह करती है, वो इस पर बिल्कुल चुप है। आज सरकार को अपना मत स्पष्ट करना चाहिए और सरकार का मत सुप्रीम कोर्ट के सामने अटॉर्नी जनरल को रखना चाहिए। अगर सरकार चुप रहती है, इसके यही माने होंगे कि इसमें सरकार की भागीदारी है, सरकार इसका अनुमोदन करती है। इसका पीओए एक्ट का एक इतिहास है। 1989 में राजीव गांधी जी के समय हमने इसे पारित किया था, फिर उसको हमने संशोधित भी किया और ऐसा बनाया ताकि जो हमारा ये तबका है एससी एसटी का, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति का, जिनके साथ हमेशा अन्याय होता रहा, उनको न्याय मिल सके। और लेकिन जो ये एक्ट बनाए गए, जो ये कानून बनाए गए, उसको अब ख़त्म करना, मैं डाइल्यूट नहीं कहूँगी, ये ख़त्म करने की एक साजिश है कि जो भी ये इस तरह के बेनिफिट या संरक्षण सरकार की ओर से, भारत के संविधान की ओर से दिए गए हैं इन तबकों को, ये आरएसएस भाजपा की जो एक नीति है ये उसका नतीजा है। वरना क्यों नहीं सरकार ने वहाँ पर खड़े होकर कहा, क्या तथ्य वहाँ पर रखे गए, कितनी कन्विक्शंस हो रही हैं, कितने लोगों को निकाला जा रहा है, क्या है वो तथ्य, क्या सामने रखे गए? और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह का ये एकदम खारिज कर दिया है, पूरे कानून को डाइल्यूट नहीं किया, खारिज कर दिया है, तो सरकार की उस ओर से क्या क्या रिएक्शन है? ये तो हम समझते हैं कि आरएसएस भारतीय जनता पार्टी की जो एक साजिश है कि रिजर्वेशन को बिल्कुल ख़त्म किया जाए और जो हमारा ये तबका है एससी एसटी का, अनुसूचित जाति जनजाति का, जिनको इतने वर्ष लगे हैं, इतने दशक लगे हैं आज़ादी के बाद और उससे पहले आज़ादी की लड़ाई में, इनको एक ऊपर लेकर आने की हमारी बात ही, सामाजिक रूप से भी, आर्थिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी, हर तरह से संरक्षण और ऊपर लाने की जो बात थी, ये भारतीय जनता पार्टी आरएसएस उसको ख़त्म करना चाहती है। उस साजिश का ये एक आप हिस्सा, उसका नतीजा आप देख रहे हैं। भारत देश में सदैव एक सामाजिक और एक आर्थिक ताना बाना बनाया गया है ताकि हर भारतीय को देश के योगदान में देने का केवल हक नहीं लेकिन मौका दिया जाए। एक अमन चैन का वातावरण तय करना सरकार की जिम्मेदारी होती है और आप स्वयं इस बात के गवाह हैं
कि किस तरीके से पिछले 4 वर्षों में इस सरकार की सोची समझी रणनीति के तहत इस देश में इस ताना बाना को ध्वस्त करने की एक मुहिम चलाई गई है। जहां पहले आर्थिक क्षेत्र में हमारे सामाजिक वर्गों के साथ अन्याय किया गया है, आदिवासियों के विरुद्ध, अनुसूचित जाति जनजाति के विरुद्ध जो बजट में राशि दी जाती थी, सारे प्लान सब प्लान को पूरी तरह से समाप्त की गई। उसके बाद जो पिछड़े क्षेत्र थे, जो बैकवर्ड रीजन ग्रांट फंड था, उसे समाप्त किया गया। जब एक तरफ आर्थिक तरीके से इन वर्गों को कमजोर करने की मुहिम में ये लोग सफल हो चुके हैं, अब दूसरे तरफ से इन वर्गों को प्रताड़ित करने की शुरुआत हो चुकी। पिछले 2-3 वर्षों में हमने लोकसभा में एवं राज्यसभा में कई ऐसे मुद्दे उठाए हैं जहां दलितों के विरुद्ध, आदिवासियों के विरुद्ध, महिलाओं के विरुद्ध प्रताड़ित करने की घटनाएं आज देश में आम चर्चा बन चुकी है। वही ताना बाना जो हजारों वर्षों से इस देश में रहा है, उसे पूरी तरह से ध्वस्त करने की मुहिम सरकार ने शुरू की। तीसरा मुद्दा, जहां भाजपा और आरएसएस ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि हम देश में आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, यह तीसरी मार हमारे सम्मानजनक वर्गों के ऊपर। और अब जो निर्णय आया है, जिसके आधार पर जो न्यायपूर्ण ढांचा बनाया गया था कांग्रेस की सरकारों के द्वारा, खास करके इन वर्गों के लिए, उस न्याय के ढांचे को भी पूरी तरह से तोड़ने की मुहिम इस सरकार के द्वारा चलाई गई है। आज मुझे आश्चर्य है कि आज तक सरकार का कोई भी प्रवक्ता, सरकार का कोई भी मंत्री, और मैं तो ये कहूंगा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने इस बात पर कोई भी टिप्पणी या कोई भी वक्तव्य नहीं की है। आज जरूरत है कि देश में, अगर हमें देश के ताना बाना को बनाए रखने की जरूरत है, हमारे हर समाज हर व्यक्ति को सुरक्षित रखने का की एक जरूरत है, और मैं मानता हूं और मैं मांग रखता हूं कि सरकार के द्वारा इस पर सीधा सीधा वक्तव्य देना आज देश की जनता की मांग बनती है। आदरणीय साथियों, जैसे कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने कहा, हिंदुस्तान में 70 वर्ष में दलितों और आदिवासियों के अधिकारों पर सबसे बड़ा प्रहार शायद सुप्रीम कोर्ट के उस निर्णय के साथ हुआ है जिसमें मोदी सरकार की प्रत्यक्ष और परोक्ष सहमति है। यह निर्णय कल आया है और इस निर्णय में साफ तौर से यह कहा कि वो कानून जो कांग्रेस पार्टी और स्वर्गीय श्री राजीव गांधी ने बनाया था, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989, अब उसके लगभग सारे प्रावधानों और दलितों और आदिवासियों की सुरक्षा को खत्म कर दिया गया। 2 चौंकाने वाली बात इसमें है। पहला, महाराष्ट्र सरकार, भारतीय जनता पार्टी की महाराष्ट्र सरकार इसमें पार्टी थी, उन्होंने जानबूझकर एक साजिश के तहत इस केस की पैरवाई नहीं की। और यह षड्यंत्र यहीं खत्म नहीं हो जाता। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा मोदी सरकार की राय मांगी। उन्होंने कहा, इश्यू नोटिस टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया ऑल्सो एज द इश्यू इन्वॉल्व्स इंटरप्रिटेशन ऑफ ए सेंट्रल स्टैट्यूट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया को नोटिस इश्यू हुआ, भारत सरकार को हुआ, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अदालत में नहीं गए, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया भी नहीं गए, एक एडिशनल सॉलिसिटर जनरल को भेज दिया गया जिन्होंने खानापूर्ति की और वापिस आ गए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, उनका दलित और आदिवासी विरोधी चेहरा बार बार उजागर हुआ है। इस निर्णय के माध्यम से अब यह कह दिया गया कि अगर कोई दलित या आदिवासी
मुकदमा दर्ज करवाएंगे तो गिरफ्तारी नहीं हो पाएगी, पर ऐसा कानून में नहीं लिखा। मुकदमा अगर दर्ज करवाना है और एक्यूज्ड अगर पब्लिक सर्वेंट है तो अपॉइंटिंग अथॉरिटी की परमिशन ली जाएगी, जो कभी आएगी नहीं और कभी किसी गरीब को न्याय मिलेगा ही नहीं। और अगर वो पब्लिक सर्वेंट नहीं है तो जिला के सीनियर सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस रीजंस रिकॉर्ड करेंगे कि इस दलित या आदिवासी गरीब की बात सच्ची क्यों है, और वो जो रीजंस रिकॉर्ड होंगे वो उस दोषी व्यक्ति को या एक्यूज्ड व्यक्ति को बताए जाएंगे। और इतना बात यही खत्म नहीं हुई, उसके बाद जब मैजिस्ट्रेट को भी ये सारे रीजंस बताए जाएंगे और मैजिस्ट्रेट को लगा कि फिर भी सब गलत है तो वो अपने आप बगैर दरखास्त के ही जमानत पर छोड़ देगा। और मुकदमा दर्ज करने से पहले भी एक पहले इन्वेस्टिगेशन भी करना अनिवार्य होगा। क्या मोदी सरकार जानती है कि इस देश में मोदी जी के चलते, उनकी सरकार के चलते सबसे ज्यादा दलितों पर अत्याचार हो रहा है? केवल जो ताजे आंकड़े हैं नेशनल क्राइम्स रिकॉर्ड ब्यूरो के, उसके मुताबिक अगर अब वही आप देख लें तो हर 12 मिनट में एक दलित पर इस देश में अत्याचार होता है। 2016-17 की जो आंकड़ा आया है, 40,811 मुकदमे दलितों पर उत्पीड़न के इस देश के अंदर दर्ज होते, परंतु मोदी जी के चलते, मोदी जी की सरकार के चलते, सही बात यह है कि शेड्यूल कास्ट के खिलाफ क्राइम में लगभग 5.5% और शेड्यूल ट्राइब आदिवासियों के खिलाफ लगभग 4.7% बढ़ोतरी हुई है, पर सजा किसी को नहीं मिल रही। अगर 100 में से 25 आदमियों को 25% केस ही दलित उत्पीड़न के, उनमें सजा हो पा रही है, ये सरकार के आंकड़े कहते हैं, और 20% आदिवासी उत्पीड़न के मुकदमों में सजा होती है। हम हर रोज देखते हैं रोहित वेमुला को इसलिए आत्महत्या करनी पड़ती है कि मोदी सरकार के मंत्री उस दलित नौजवान को मजबूर करते हैं आत्महत्या के फंदा चूमने के लिए। हम हर रोज देखते हैं कि डेल्टा मेघवाल हो या ऊना के उत्पीड़ित दलित हो या सहारनपुर के हमारे दलित भाई हो, उनका उत्पीड़न कैसे हो रहा है, और मोदी जी के मुख्यमंत्री तो, आदित्यनाथ जी तो दलित भाइयों को साबुन से नहलाकर और उन पर इत्र छिड़कवाकर फिर मिलते हैं, और येदियुरप्पा जी तो दलित के घर में जाते हैं और खाना 5-तारा होटल से मंगवाकर खाते हैं, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी की दलित और गरीब विरोधी मानसिकता है। प्रश्न ये है, जैसा आदरणीय आनंद शर्मा जी ने, सिंधिया साहब ने कहा, मोदी जी चुप क्यों हैं? और भारतीय जनता पार्टी के दलित और आदिवासी नेताओं को सांप सूंघ गया है क्या? वो सारे के सारे चुप क्यों हैं? इस देश के गरीबों, दलितों, आदिवासियों का अधिकार छीना जा रहा है, उनके सम्मान और स्वाभिमान पर अतिक्रमण किया जा रहा है, मोदी सरकार कर क्या रही है? क्या इसके लिए वो सीधे दोषी नहीं? और सही कहा आपने, एससी एसटी सब प्लान, जो जाधव कमेटी की रिकमेंडेशन को पिछली कांग्रेस सरकार ने माना था, पहला निर्णय मोदी जी ने किया कि एससी एसटी सब प्लान को खत्म कर दिया जाएगा, और उसी के चलते ये हुआ कि इस साल अगर आप एससी एसटी सब प्लान का डेटा देखेंगे तो लगभग 2.5% पैसा देश का 100 में से मात्र 2.5% पैसा गरीबों के फायदे के लिए दिया गया, क्योंकि कांग्रेस ने जो किया था उसे खत्म कर दिया गया। और एक एक अगर आप स्कीम देखें, यहां तक कि जो दलितों के फायदे की स्कीम थी उन्हें भी 2016-17 में 294 से कम करके 17-18 में 256 कर दिया गया। 42 दलित वेलफेयर स्कीम्स को पर ताला लगा दिया गया। जो नौकरियां थी दलित की, जो सरकारी नौकरियां मिलती थी, उनमें 91% मोदी जी के चलते कमी आई है। 91% कम दलित भाइयों को नौकरियां मिलती हैं। सच्चाई ये है, हमारी ये मांग है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की, कांग्रेस अध्यक्ष ने इस पर चिंता जाहिर की है कि ये कानून जो दलित और आदिवासियों के संरक्षण का कानून है, उनके स्वाभिमान की लड़ाई का कानून है, इस कानून को किसी प्रकार से डाइल्यूशन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को कदापि मंजूर नहीं। सरकार को अपनी गलती, जो जानबूझकर एक षड्यंत्र के तहत उन्होंने की, मोदी सरकार ने, कम से कम अब सुधार लें,
वरना जब इस देश का गरीब उठेगा तो देश का सिंहासन हिलेगा और फिर मोदी जी सत्तासीन नहीं रह पाएंगे। जरूरत पड़े तो संसद में संशोधन लेकर आए, जरूरत पड़े तो दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू एप्लीकेशन फाइल करें, परंतु दलितों के अधिकारों को कमजोर करने का मोदी सरकार का षड्यंत्र हमें कदापि मंजूर नहीं। देखिए आखिर में कौन से तथ्य उच्चतम न्यायालय के सामने रखे गए, ये महत्वपूर्ण है। मैंने इसीलिए सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पेज 2 की पहली लाइन आपको पढ़कर बताई। जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ये कहती है कि अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आए, तो क्या प्रधानमंत्री जी को यह मालूम नहीं था? क्या सोशल जस्टिस मंत्रालय को यह मालूम नहीं था? क्या प्रधानमंत्री कार्यालय सो रहा था? क्या अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया सो रहे थे? क्या कानून मंत्री सोए पड़े थे? उन्हें मालूम नहीं था कि इस कानून को खत्म करने के लिए नोटिस दिया गया है या इस तरह से डाइल्यूट करने के लिए नोटिस दिया गया कि वो खत्म ही हो जाए? अटॉर्नी जनरल गोस टू द ट्रायल कोर्ट। अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कांग्रेस नेताओं के खिलाफ, सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया को इतनी फुर्सत तो है कांग्रेस नेताओं के खिलाफ ट्रायल कोर्ट जाए, परंतु देश के सबसे गरीब दलित और आदिवासी भाइयों के अधिकारों के संरक्षण की लड़ाई को एक षड्यंत्र के तहत मोदी सरकार ने पैरवाई नहीं की, यह हमारा सीधा आरोप है। और इसका कारण है मोदी जी की और बीजेपी और आरएसएस की दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता। लास्ट क्वेश्चन एंड लेट मी आंसर दैट। एवरी लॉ इज प्रोन टू मिसयूज, बट शुड यू अबॉलिश दोज लॉज? Even there can be a false murder case. Are all murder cases correct? Are all attempt to murder cases correct? Are even all rape cases, many rape cases do not fructify? Should we abolish the rape and murder law because they can possibly be abused? Can a possible abuse of a law be a ground for abolition of a law? Then there will be no law. There will be lawlessness in this country. And that's why we have an investigation agency, we have criminal procedure code, and it is important that the investigating agency must look at every single case and decide on the facts and evidence of that case, whether the case registered by the complainant is correct or not. Why have discriminatory treatment vis-a-vis the Dalits and Adivasis only? तो माफ कीजिए, आपको भी अपने गांव में ये सुनने को मिलता होगा, ये तथ्य बताइए। आपका आपका सब्जेक्टिव ओपिनियन है, मैं उसके लिए धन्यवाद देता हूं। इसीलिए हमारे प्रजातंत्र की खूबसूरती है कि आपका एक व्यू हो सकता है और ये आपकी राय है, मैं इसका सम्मान करता हूं। आप भी आप इस राय से सहमत हो सकते हैं जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, परंतु मैं मेरे दल की राय रखने के लिए यहां आया हूं और मेरे दल की राय ये है कि आप एक विशेष कम्युनिटी के लिए या एक विशेष समाज के लिए केवल दलित और आदिवासी ही झूठे मुकदमे दर्ज करवाते हैं इस देश में, क्या आप ये कहना चाहेंगे? और बाकी सबके मुकदमे सच्चे हैं। अगर गरीब या दलित या आदिवासी मुकदमा दर्ज करवाए प्रताड़ना का, तो वो सब झूठे हैं। उनके लिए एक मापदंड होगा और पूरे देश के आपराधिक मामलों के लिए एक और मापदंड होगा। क्या ये सही है? केवल ये बात हमने इस देश की जनता और इस देश की सरकार के समक्ष रखी है, जो खुद दोषी है दलित और आदिवासी विरोधी मानसिकता के लिए। धन्यवाद।